नमस्कार, मैं हूं श्री चंद्रशेखर। शिव शक्ति में आप सभी का स्वागत है। जैसे मैं आपको अपने पिछले एपिसोड में बताई कि कई सारे पादरी हो या आम ईसाई, और वही नहीं, ज्ञानवापी मंदिर का मामले के वक्त से लेकर नुपुर शर्मा का इश्यू तक कई सारे मुसलमान भी हमारे महादेव के बारे में असभ्य प्रचार कर रहे हैं, हमारे ग्रंथों का वक्रीकरण कर रहे हैं। तो मैं सोची क्यों ना आज इन कमीनों को उनके ग्रंथों का ही थोड़ा ज्ञान दे दूं। इस वीडियो को आप अंत तक देखें ताकि मैं शिव तत्व और शिवलिंग का महत्व बताते बताते इन लोगों के ग्रंथों से कुछ वाक्यों को भी पढ़कर सुनाऊंगी। शिव का अर्थ है मंगलकारी, शुभकर। तो महादेव सारे प्राणियों के लिए, लोक कल्याण के लिए कई सारे तत्वों को और अवतारों को वे स्वीकार करते रहते हैं। इनमें से मुख्य है अष्टमूर्तियां, सर्व भव रुद्र भीम पशुपति ईशानु और महादेव। तो यहाँ ये बेवकूफ कहते हैं महाभारत का भीम और अभी में जो बताई ये दोनों एक ही हैं। भीम का मतलब है सर्वव्यापी, या जो पूरे आसमान में व्याप्त है, जो कि एक शिव तत्व है। वैसे ही यहाँ पशु का मतलब है जीव। जैसे एक पशु को रस्सी बंधा बनाकर रखता है, ठीक वैसे ही इंसान को कर्म बांध कर रखती है। तो शिव जी वो हैं जो हमें कर्म चक्र से बाहर निकाल सकते हैं, इसीलिए उन्हें पशुपति कहते हैं। ऐसे ही उनके 8 और तत्व हैं। हमारे ग्रंथों के अनुसार शिव जी सारे जीवों में हैं, पूरे विश्व में हैं। सर्वम शिवम जगत कहते हैं। अब इन मूर्खों को समझ में नहीं आने वाला चीज शिवलिंग और शिव तत्व के बारे में समझाऊंगी। लयनात लिंगम उच्छते, अर्थात शिवलिंग वो है जो पूरे सृष्टि को अंतर्लीन करता है, जिसका अर्थ चिन्ह और प्रतीक भी होता है, जो शिव जी का चिन्ह या प्रतीक है। फिर शिव जी का प्रतीक सिर्फ लिंग के रूप में ही हमें दर्शन क्यों देता है? क्योंकि महादेव निर्गुण, निराकार और परब्रह्म का तत्व है। अगर शिवलिंग को दिखाकर पूछेंगे कि यह स्त्री का तत्व है, पुरुष का तत्व है या किसका, तो कोई इसका जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि ये इन सब से ऊपर है, अल्टीमेट परब्रह्म का तत्व है। और ये शिवलिंग किसी एक स्थिति में रूप लिया हुआ नहीं है, कई सारे परिस्थितियों में ये रूप लिया है। उदाहरण के लिए द्वादश ज्योतिर्लिंग, अर्थात वे शिव जी के ज्योति के साथ बने थे। वैसे ही हम पंचभूत शिवलिंगों को भी जानते हैं, जैसे चिदंबरम का आकाशलिंग, मतलब जो आकाश के तत्व से बनी हो, वैसे ही श्रीकालहस्ती का वायुलिंग, अरुणाचलम का तेजोलिंग, जम्बुकेश्वर का जल लिंग और कंची का पृथ्वीलिंग, ऐसे वे 5 भूतों के तत्वों से बना था। इसके अलावा एक और है अग्निलिंग, जो आदिकाल सृष्टि से पहले रूप लिया था। जब ब्रह्म और विष्णु के बीच विवाद हुआ था, तब महादेव अग्निलिंग के रूप में उनके बीच में खड़े हुए थे। उस पर्व दिन को ही हम शिवरात्रि मनाते हैं। ऐसे कई बार परिस्थितियों के अनुसार महादेव शिवलिंग का रूप लिए। तो ये कई सारे मंदबुद्धि गवार हटकेश्वर लिंग के बारे में अभद्र भाषा का उपयोग करते हैं, उसी का अपहास्य करते हैं, शिव पुराण में बताया गया कहानी का वक्रीकरण करते हैं। पहले पहले शिवजी अर्जुन के पास एक घातक के रूप में गए थे। क्यों? ताकि वे अर्जुन का परीक्षा ले सके, क्योंकि अर्जुन एक योद्धा होने के कारण उन्हें बहुत अहंकार होता था, तो उनके अहंकार को मिटाने के लिए ऐसे गए थे। वैसे ही आदि शंकराचार्य जी के पास एक चंडाल के रूप में गए थे उनकी परीक्षा लेने, क्योंकि उस वक्त शंकराचार्य जी अद्वैत को प्रचार तो कर रहे थे पर पूर्णतः उसका अनुसरण नहीं कर रहे थे। वैसे ही यहाँ वे महर्षियों का परीक्षा लेने एक दिगंबर के रूप में गए थे। एक सीधी सी बात, अगर एक आम इंसान कहीं दिगंबर रूप में किसी को दिखाई देता है तो जाकर उसको मार देंगे क्या? सोचेंगे ये पागल है, छोड़ो। क्योंकि दुनिया में ऐसे दिगंबर होकर दो ही लोग घूमते हैं, एक है पागल, दूसरा है महाज्ञानी लोग, जिन्हें अपने शरीर पर कोई मोह नहीं होता। एक आम इंसान ही इस छोटी सी बात को समझ सकता है, तो महर्षियों को कितना मैच्योर होना है। पर यहाँ महर्षियों ने क्रोध का शिकार बनके उस दिगंबर स्वरूप में रहा शिव जी के अंग काटकर गलती किए। फिर वे इस गलती को एहसास करके माँ पार्वती के पास जाकर वे शरण मांगे। तब माँ पार्वती यौन के रूप में आकर इस पाप से दुनिया को बचाती हैं। तो हटकेश्वर लिंग, जैसे मैं पहले कई उदाहरण दी थी, वैसे ही एक स्थिति में लिंग का रूप लिया था। यह हटकेश्वर लिंग अर्धनारीश्वर का प्रतीक है। माँ पार्वती परमेश्वर का मिलन, अर्थात प्रकृति और पुरुष का मिलन है,
वे इस विश्व के इस पूरे सृष्टि के लिए ही माता पिता हैं। इसका तत्व है शिवलिंग। और कुछ नालायक हमेशा ताना मारते हैं, तुम एक आदमी का अंग को पूछते हो, तो उन चोमुओं के लिए कहना चाहती हूँ, हमारे लिए भगवान का सब कुछ ही परम पवित्र और विशेष ही है। और हम शिवलिंग की आराधना करेंगे, करते ही रहेंगे, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। और मऊआ जैसे हिंदू जो शिवलिंग का मजाक बनाकर 200 रुपए कमा रहे हैं, जितना भी चाटो उनके लिए हमेशा तुम गैर विश्वासी काफिर ही रहोगे आंटी। अब बात उन शांति दूतों की है जो ज्ञानवापी मंदिर के ऊपर बहस करने टीवी पर आकर हमारे भोलेनाथ का मजाक बना रहे हैं, जैसे तस्लीम रहमानी। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, आपके खुदा को एक रूप नहीं है क्या, जो शांति दूत हर दिन रात शिवलिंग के ऊपर मीम्स बना रहे हैं, वो बताएं मुझे। ओला को आप देखे नहीं, पर उन्हें एक रूप है ना। शाहीन हसन हदीद में प्रॉफिट मोहम्मद अपने सपनों में अल्लाह को देखने का दावा रखते हैं। कहते हैं कि अल्लाह अपने हाथों को इनके छाती पर रखते हैं। अगर रूप है तो उसके हिसाब से ही अंग होंगे। जब तुम लोग अल्लाह को पवित्र मानते हो तो सिर्फ उनके चेहरे को ही मानते हो क्या, या उनका सब कुछ ही पवित्र मानते हो? जवाब दो। जब हमारे महादेव निराकार हैं तो उन्हें एक रूप नहीं होता है, पर जब उन्हें एक रूप लेना था तो उनको भी उस पुरुष या स्त्री या जो कोई जीवी का हिसाब से ही अंग होंगे। असल में शिवलिंग का मतलब है विश्व का स्वरूप। लिंग गर्भम जगत सर्वम त्रैलोक्यम च चराचरम लिंग बाह्या तरम नास्ति त लिंगम च प्राप्यते। मतलब लिंग गर्भ में सारा सृष्टि है, उस लिंग के बाहर कुछ भी नहीं है। एक शिवलिंग का दर्शन करने से पूरे विश्व का दर्शन करने का बराबर है। एक शिवलिंग का प्रदक्षिण करने से पूरे विश्व को प्रदक्षिण करने का बराबर है। शिवलिंग निराकार निर्गुण परब्रह्म का तत्व है। हटकेश्वर लिंग का दर्शन करने से संतान प्राप्त होती है। उज्जैन का महाकाल का दर्शन करने से मौत का डर मिट जाता है। वैद्यनाथ शिवलिंग का दर्शन करने से रोगी स्वस्थ होता है। ये हमारे ग्रंथों का प्रमाण है और महाकाल के भक्तों का आस्था है। तो आप जैसे लोग सोशल मीडिया पर हमारे महादेव का अपमान करने से पहले थोड़ा ध्यान रखें। आई बात शांति दूतों की, तो इस्लाम में नबी अब्राहम पहला आदमी है जो 80 साल की उम्र में खतना किया था। उनके बाद आए सारे नबी प्रॉफिट मोहम्मद भी खतना किए थे। अब शिवलिंग के ऊपर हमारे महादेव के ऊपर सोशल मीडिया पर मीम शेयर करने वाली, व्हाट्सएप फॉरवर्ड करने वाली सबा नकवी अरफा आंटी, थोड़ा अपने ग्रंथ में भी झांक के तो देखो, हिम्मत है इस पर मीम बनाने की? अब बारी मिशनरियों की, तो पवित्र बाइबल ग्रंथ लूका अध्याय 2 वाक्य 21 से पढ़ रही हूँ। और जब बालक के खटने का 8वां दिन आया तो उसका नाम येशु रखा गया। उसे यह नाम उसके गर्भ में आने से भी पहले स्वर्गदूत द्वारा दे दिया गया था। आप पहला लाइन पर ध्यान दीजिए, येशु पैदा होने के 8वां दिन को ही उनका खतना हो गया था। अब इसका कुछ इतिहास भी है जिसे मैं आज आपके सामने लाऊंगी। उससे पहले एक बात स्पष्ट कर दूं कि खतना सिर्फ दो रिलीजन्स में ही किया जाता है, एक है यहूदियों में और दूसरा है इस्लाम में। तो इसके हिसाब से येशु या तो यहूदी होगा या एक मुस्लिम होगा, ईसाई नहीं। क्रिश्चियनिटी को और येशु को कोई लेना देना नहीं है। अगर है तो आज के ईसाई खतना क्यों नहीं कर रहे हैं? और येशु कभी किसी से ये बात नहीं कहा कि वे क्रिश्चियनिटी का स्थापना करने आए हैं। इस क्रिश्चियनिटी को येशु के शिष्य और पॉल दोनों मिलकर बनाए थे। ये पॉल ही खतना को निकाल दिया था। कई बार बाइबल गॉड यहोवा खतना को बहुत ही मुख्य प्रथा या आज्ञा कहकर कहने के बाद भी पॉल उसको निकाल दिया था। तो यहाँ ईसाइयों का खुदा यहोवा है, पॉल है या येशु है, इस बात पर किसी को स्पष्टता नहीं है। येशु का खतना के बाद उस चमड़ा का क्या हुआ? वैसे वही पड़ा था, चींटियों ने खा लिया, या क्या हुआ था? इसका जवाब ढूंढने के समय मुझे कुछ चीजें पता चला। इसके ऊपर कई सारे आर्टिकल्स हैं, उनमें से कुछ मुख्य विषयों को मैं आज बताऊंगी। 800 BC में बैजेन देश की रानी ईरानी ने एक राजा चार्ल्स मैग्नी को येशु का पुरुषांग का चमड़ा को तोहफे के रूप में दी थी। इसके बाद ये राजा चार्ल्स मैग्नी पोप लियो 3 को ये चमड़ा तोहफे के रूप में दिया था।
फिर यीशु का पुरुषांग का चमड़ा रोम में पोप लियो के साथ ही कई शताब्दियों तक रह चुका था। 1527 में जर्मन के प्रोटेस्टेंट्स, ये भी ईसाई ही हैं, वे रोम के ऊपर युद्ध करके उसे अपने हाथ करने तक वो चमड़ा वही रह गया था। यहाँ पर एक छोटा सा ट्विस्ट है। उस युद्ध के दौरान एक चोर इस चमड़े को चोरी किया था, फिर उसको पकड़ के जेल में फेंके। कई साल बाद उन्हें ये बात पता चला कि ये चोर उस चमड़े को एक डिब्बे में रखकर अपने पास रखा था। उसको लाने के बाद वो एक पवित्र स्थल बन चुका था। कई सारे ईसाई आकर उसकी आराधना करना शुरू किए थे। हर साल उसे सड़कों पर लाकर उसका उत्सव भी करते थे। ये प्रथा 1883 तक चला था। पोप 1900 में यीशु का खतना के समय मिला चमड़ा की बात को निषेध किया था और कहा अगर कोई उस बात का प्रस्ताव करने पर उन्हें दंड भी मिल सकता है, क्योंकि फिर से चोरी के बाद इस चमड़ा उनके पास है कहकर 30 से अधिक चर्चों ने दावा किया था। इस उल्टी सीधी बातों को रोकने के लिए पोप को ये काम करना पड़ा। अब इसके ऊपर एक इंटरव्यू को भी देख लीजिए। उसे उस चमड़े के बारे में पूछे तो पोप ने जवाब दिया कि वो भी यीशु के साथ स्वर्ग चला गया था और वो शनिग्रह के ऊपर डिस्क के रूप में बदल गया है। तो यहाँ पर दो तरह के बहस हमको सुनने को मिल रहा है। एक है यीशु का खतना के वक्त पड़ा उनका चमड़ा एक रानी ले जाकर किसी एक राजा को देना और वे एक पोप को देना, फिर उसे कोई वहां से दो बार चोरी करना, फिर चर्चों के बीच उस चमड़े को लेके बहस होना, और दूसरी तरफ पोप कहता है कि वो चमड़ा शनिग्रह के पास जाकर डिस्क बन गया था। तो मैं ये बात आप लोगों पर छोड़ रही हूँ, आप खुद तय करना कि इनमें से कौन सा झूठ है और कौन सा सच। नुपुर शर्मा एक हदीद क्या बोल दी तो कई सारे कांग्रेस नेता अपना दिल पर ले लिए। नुपुर को जेल में डाल दो, ये करो वो करो। और आप खुद सुनिए कांग्रेस के नेता हमारे हिंदू ग्रंथों के बारे में क्या बक रहे थे। ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ರಾಮ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹನುಮಂತನನ್ನೇ ಏಕೆ ತಬ್ಬಿಕೊಂಡು ತಿರುತ್ತಾನೆ? ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಯಕ್ಷ ಪ್ರಶ್ನೆ ನನಗೆ, ಇದುವರೆಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಸೀತಾ ಮಾತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ರಾಮ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹನುಮಂತನನ್ನೇ ತಬ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಯಾಕೋ ರಾಮ ಗೇ ಅನ್ನೋ ಏನೋ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇದೆ. ಏನಂತೀರಾ? ನೀವು ಆ ರೀತಿಯಾದ ಅನುಮಾನಗಳಿದ್ದರೆ ನೀವು ರೈಟ್ ವಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು. ಸೀತಾ ಮಾತೆ, ನಿಮಗೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ನಂದು ಕೇಳಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಸೀತಾ ಮಾತೆಯವರೇ, ತಾವು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಪಾಯಸ ತಿಂದಿದ್ದರಿಂದ ಅಂತೆ, ಅದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಸೀತಾ ಮಾತೆ? ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೇಳಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ. ತಾವು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಪಾಯಸ ತಿಂದಿದ್ದರಿಂದ ಅಂತೆ, ಅದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಸೀತಾ ಮಾತೆ? ನೋಡಿ, ಅದು ಆ ಕಾಲದ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖ. ನನ್ನನ್ನು ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನೀವೇ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಪಾಯಸ ತಿಂದು ಆಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಆಯ್ತು, ಅದು ಹೇಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಪಾಯಸ ತಿಂದು ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಆಯ್ತು ಅವಾಗ ಹುಟ್ಟಿದ್ದವ್ರು. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ, ಕೇಳಬಹುದು ಮಾತೆ? ಸೀತೆ, ನಿಮ್ಮ ರಾಮಯ್ಯಕ್ಕೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚಂಗ್ಲು ಬಿದ್ದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಸೀತಾ ಮಾತೆಯವರೇ, ಹನುಮಂತ ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಗುರುತಿನ ಉಂಗುರ ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತು? ನೋಡಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರೇ, ಅದು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬರೆದ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಮಾಡ್ರನ್ ಸೀತಾ ಮಾತೆ, ನನಗೆ ಹನುಮಂತ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನನ್ನ ರಾಮ ಕೊಟ್ಟ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇಂಥದನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಂದುಕೊಡುದು. ಉಂಗುರ ಗಿಂಗುರ ಎಲ್ಲ ತಂದು ಕೊಡುದಿಲ್ಲ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ. ನನ್ನ ರಾಮ ಎಂದಿಗೂ ಕೋಮುವಾದಿಯಾಗಿ ಬರೀ ಒಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಮಾರು ಹೋಗಿ ಆರೆಂಜ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಆರೆಂಜ್ ಬಾಯ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ರಾಮ. ನನ್ನ ರಾಮ ಮೊರೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಶಾರದೆ, ಖಂಡಿತ. ಸೀತಾ ಮಾತೆಯವರೇ,
ನೀವು 14 ವರ್ಷ ಅದೇನೋ ವನವಾಸ ಅಂತ ಹೋಗುತ್ತಂತಲ್ಲ ಯಾವ್ಯಾವ್ದೋ ಕಾಡು ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಕೊಂಡು ಅದು ವನವಾಸದಿಂದ 14 ವರ್ಷ ನಿಮ್ಮನ್ನ ರಾವಣ ಬಂದು ಸೀತಾ ಮತ್ತೆ ತಂದೆ ಆಗಿದ್ರು ಅದು ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ರಾವಣ ರಾವಣ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಇವತ್ತು ಬರೀ ಇವತ್ತು ಕೀಚಕರೇ ಜಾಸ್ತಿ ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ರಾವಣನ ನಾವು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಕೀಚಕರನ್ನ ನಾವು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು इस ऑडियो में कांग्रेस के आईटी सेल वाले शैलजा अमरनाथ महालक्ष्मी अलियास तबासुम प्रवीण पूर्ति और अनिल बात कर रहे थे क्या यही कमी ने कभी अपने राहुल विंसी के बारे में या उनका फैमिली ड्रामा के बारे में टिप्पणी करेंगे कि क्या कारण हो सकता है कि राहुल अभी तक शादी नहीं किया कहा हो कर्नाटक के हिंदुओं कब इन पर FIR होगा मेरे हिंदू भाई और बहनों ये बीजेपी RSS बजरंग दल के ऊपर निर्भर होना बंद करो जब तक आप अपना मुंह नहीं खोलेंगे कोई भी आपको इन दरिंदों से बचा नहीं पाएंगे एक और वीडियो में फिर मिलेंगे जय श्री राम